फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। भारत के चारों शंकराचार्य जेब भरते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती पाताल नाथ संत विद्वान ने कहा। तीर्थ विहार में आए स्वामी दयानंद सरस्वती पाताल नाथ संत विद्वान ने मीडिया से बात करते हुए भारत के चारों शंकराचार्य को कहा, यह भरते हैं अपनी जब किसी के भी काम नहीं आते हैं, कितना भी साधुओं पर अत्याचार हुआ मगर यह शंकराचार्य ने कोई भी समर्थन नहीं किया और इनको जो शंकराचार्य की उपलब्धि दी गई है वह गलत दी गई है। अयोध्या में जो राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति स्थापना हो रही है उनसे यह परेशान है। महाराज जी ने कहा कि वह चारों शंकराचार्य इसलिए परेशान है कि उनको जेब भरने को नहीं मिल रहा है, वह चारों बराबर माल खाते हैं। देखिए राम जी आ नहीं रहे हैं, ओम राम जी सभी भाइयों के साथ और सीता के साथ आ रहे हैं। एक अद्भुत संयोग है कि ये 22 तारीख को आ रहे हैं, 22 के और राम जी का मूर्ति भी बना है, 9 का मूलांक है और 9वीं का उनका जन्म भी हुआ है। और राम जी को यही मैं बोलूँगा कि रक्ताम्बुज जलाभिरामनयनम पीताम्बरालंकृतम श्याम अंगम दिविजम प्रसन्न वदनम श्री शीतयाशोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्रातात्रिभारविदम बंदो विष्णु शिवादि शिवमंशम भक्ते श्रीधिपदम। ओ अर्थात ओ राम है, वह पीताम्बर वस्त्र से अलंकृत है, श्याम अंग हमारे आपके तरफ से दू भुजा वाले हैं, प्रसन्न बदनम सदा खुश रहने वाले हैं और साथ में लक्ष्मी श्री सीत आशोभितम। वो राम है करुणा का समुद्र है, प्रिय गणे पहले प्रजा तब भाता, इसलिए वो आगे हैं तो प्रजा बहुत खुशी रहेगी और रोग शोक कुछ भी नहीं होगा और समझे कि ये त्रेता युग का आगमन हो रहा है। महाराज जी इसमें कुछ विवाद भी आ गया है कि जो शंकराचार्य हैं सबसे बड़े जिनको शंकर जी की उपाधि दी गई है वो इससे नाराज हैं। देखिए नाराज इसलिए हैं कि उनको माल खाने के नहीं, उन लोग को वो तो बराबर माल खाने वाले चारों आदमी। आप देखिए गो आंदोलन में वो आगे नहीं थे, आप तो पत्रकार हैं, आपसे क्या छिपाना है। और जो संगी सिंगलापुर में जो कांड हुआ उसमें नहीं आए, साधुओं को मार दिया उसमें नहीं आए, गौ आंदोलन में हुआ खुद हमको गोली लगी थी और करपात्री जी थे वो संत थे। ये लोग तो मतलब शंकराचार्य मिल गया शंकराचार्य की उपाधि लायक नहीं है। देखिए शंकराचार्य कौन होता है कि गौ के आंदोलन कभी नहीं किए, इतने पृथ्वी पर कोरोना उराना है कुछ नहीं क्या खाएगा, ये तो अपने ड्रम जैसा पेट फुला करके बैठे हुए हैं, इनको चांस नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार सेवकों ने काम किया, आरएसएस ने काम किया, मोहन भागवत जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, योगी ने काम किया, शाह ने, तो जो भाई वर्क करेगा वही तो मालिक होगा। उनका ये कहना है कि पूरी तरह से राम मंदिर बनानी अधूरा। देखिए ये गलत बात है, देखिए मैं पत्रकार महोदय मैं आपको कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपके समक्ष उदाहरण देता हूँ। अगर कोई है तो जैसे बोलते मैं चोला पहन करके फुल पैंट पहन लूंगा, अगर मेरा उदाहरण गलत है ना तो शंकराचार्य का पद छोड़ दे। देखिए रामेश्वरम में खुद रावण ने उसको संस्थापन किया, सिर्फ लिंग था बाद में बना। सोमनाथ पहले ऐसा ही बना लिंग, इसके बाद में बना। अच्छा ही नहीं मीनाक्षी मंदिर ऐसा ही बना, इसके बाद में उसको बना। मदुरै का ऐसा ही बना, तो मेरा केदार बद्री का आश्रम ऐसा ही बना। मंदिर का तो बराबर उत्पत्ति होती रहती है, वो मंदिर बढ़ता रहता है। ये तो देखिए मंदिर का है, बच्चा है, बच्चा निकट पैदा होता है तो पहले उसको फुल पैंट थोड़े पहना दिया, पहले लॉन्ग आउट पहनता है, उसको बढ़िया से पढ़ता है, फिर सजाता है। वो ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लेता है उसको घड़ी पेन फाउंटेन वगैरह सब कुछ दे देते हैं। तो मंदिर भी उसी तरह से धीरे धीरे जिस तरह से मंदिर का प्रभाव बढ़ता है जैसे आदमी का प्रभाव है। मेरा आने का उद्देश्य है कि यहाँ पर हमारे परम शिष्य हैं कपिल सिंघल जी, उनके यहाँ मैं रामायण का पाठ कैसे पूजा किया जाता है मैं पूरे विश्व को दिखलाना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं तो कहूँगा कि मेरे आसपास मेरे जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनको भी महाराज जी से आशीर्वाद मिलेगा आज तो। बहुत मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महाराज जी ने दर्शन दिए, अपने चरण यहाँ पर डाले और हमें जैसे कि आज तो क्या पूरा वर्ल्ड ही विश्व ही जो है ना राम में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पे स्वामी जी आएँ और सबको जो आज स्वामी जी पूजा भी बताएंगे कैसे पूजा। और स्वामी जी का अपना अपने आप में इतना तेज है और जो इनको पूजा की विधि है या क्योंकि इन्होंने घर पर भी करी, आज ऑफिस में भी यहाँ पर 200-300 लोगों का लोग सब आ रहे हैं तो ये पूजा विधि बताएँगे तो सबका कल्याण होगा इससे।